Hello students, I hope all of you will be very fine. It's students, today our subject is Fundamental of Computers for BBA 5th semester. And students, today our the most important topic is Sequential Access in Computer System. Okay students, इससे पहले जो है हमने BBA 5th semester Fundamental of Computers में हमने student magnetic tape हमने student जो हमारा topic था वो हमने complete किया भाई कि भाई magnetic tape क्या होता है, हम उसको किस लिए use करते हैं और magnetic tape हमारा कब बना और उसका जो है आज की डेट में क्या यूज हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने इससे पहले स्टूडेंट मैग्नेट टेप जो है हमने कंप्लीट किया. देखिए स्टूडेंट, बात हम करते हैं स्टूडेंट डेटा को स्टोर करने के लिए. तो स्टूडेंट से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि भाई डेटा को स्टोर करने के लिए जो तरीके हैं वो स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है सिक्वेंशियल एक्सेस और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस. तो सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या मतलब है? सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब यह है कि मान लो उसका नाम है सिक्वेंस, यानी कि डेटा जो स्टोर हम करेंगे किसी भी डिवाइस में, जाहिर सी बात है डेटा जो हम परमानेंटली अगर परमानेंटली स्टोरेज की बात करें, इसमें मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी हमारे क्या आते हैं, रैम और रोम आते हैं. और हमारी जो सेकेंडरी होती है उसमें हमारे हमारे जो है हार्ड डिस्क आ गए और सीडीज आ रहे हैं, डीवीडीज आ रहे हैं, मतलब जो जिनको आप परमानेंटली स्टोर करते हैं, मतलब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल. मतलब रैम इज ए वॉलेटाइल और जो हमारी क्या नाम है रोम है वो जो हमारी जो है वो नॉन वॉलेटाइल, यानी डेटा को परमानेंटली जब स्टोर करने की बात आती है तब हम जो है नॉन वॉलेटाइल की जो जो नॉन वॉलेटाइल टाइप की मतलब मेमोरी है हम उनका हम यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें ही स्टूडेंट हमारा जो अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस का. कि भाई सिक्वेंशियल एक्सेस मतलब डेटा किस तरीके से हमारा स्टोर हो रहा है डिवाइस के अंदर. ठीक है, तो वन बाय वन अगर जैसे वन बाय वन डेटा अगर मान लो स्टोर हो रहा है, मान लो डेटा जब स्टोर होता है तो स्टूडेंट इन डेटा की मेमोरी लोकेशंस बनी होती हैं, इंडेक्सिंग बनी होती है. इंडेक्स स्टूडेंट इंडेक्स हम देखते हैं कि जब भी कभी हम बुक देखते हैं बुक में इंडेक्स बना होता है 1, 2, 3 और पेज नंबर बना होता है, तो मतलब एक सिक्वेंस में होता है. तो वैसे ही डेटा जब किसी डिवाइस में स्टोर होता है तो वो भी स्टूडेंट एक मेमोरी लोकेशंस बनती हैं, इंडेक्सिंग होती हैं कि भाई इस इंडेक्स पर ये डेटा आएगा, इस इंडेक्स पर ये आएगा डेटा. तो मतलब डेटा सिक्वेंस में होता है, रैंडमली नहीं होता कि मतलब कोई भी डेटा आए एकदम से वो मतलब वो इस लोकेशन में. तो मेमोरी लोकेशन में जब डेटा बिगनिंग में एंटर करता है उसके बाद वन बाय वन हम उसको एक्सेस करते हैं, तो इस टाइप का जो स्टूडेंट एक्सेस है वो हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस कहलाता है. चलिए स्टूडेंट आइए समझने की कोशिश करते हैं. डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन मैनी फॉर्म्स. जैसा मतलब डेटा जो है वो कंप्यूटर में मैनी फॉर्म्स में स्टोर करते हैं. इसमें हमारा रैम की बात करते हैं, तो स्टूडेंट अगर मान लो डेटा हमें फास्टली एक्सेस करना है तो हम रैम की बात करेंगे. रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब क्या करता है कि डेटा को रैंडमाइज एक्सेस करने के लिए भी हमें मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है. जैसे मान लो रैम है तो रैम को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी. यानी कि क्या मतलब है, हमें लिखने के लिए पढ़ने के लिए जिस मेमोरी की एट रैंडम हमें, जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं हम क्लिक करते हैं, लिखते हैं, कोई विंडो ओपन करते हैं, तो अब इस एनवायरनमेंट को उस पूरे इस एनवायरनमेंट को जो है टैकल करने के लिए वी हैव टू नीड द मेमोरी विच इज कॉल्ड रैम. ओके, सो वन वे ऑफ डेटा स्टोरिंग इन कंप्यूटर इज इन मैग्नेटिक टेप आल्सो नोन एज मैग्नेटिक ड्राइव. तो अब जैसे मान लो एक मैग्नेटिक टेप, जैसे मान लो स्टूडेंट मैग्नेटिक टेप जो है एग्जांपल है हमारा किसका, सिक्वेंशियल एक्सेस का. डेटा जो है मैग्नेटिक टेप में सिक्वेंशियली एक्सेस होता है जो हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो कंप्यूटर इज इन मैग्नेटिक टेप आल्सो नोन एज मैग्नेटिक ड्राइव्स और उसको हार्ड ड्राइव भी हम बोलते हैं. इन हार्ड ड्राइव डेटा इज कैप फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे मान लो हार्ड ड्राइव जो हमारी होती है, जैसे मान लो जो हमारे एसएसडी बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो इन हार्ड ड्राइव डेटा इज कैप फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वी कैन स्टोर फाइल्स, मूवीज, सॉन्ग, डेटाबेस इन हार्ड ड्राइव. जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है कंप्यूटर में, हम उसमें जो है फाइल्स हैं, मूवीज हैं, सॉन्ग हैं, डेटाबेस को लॉन्ग समय तक हम उसमें रख सकते हैं. और क्या है, विच वी नीड ऑन डेली बेसिस, जिसको हम डेली यूज कर सकते हैं. फॉर एसेसिंग डेटा फास्टर, यानी कहना तो क्या है कि डेटा को फास्टर एसेस करने के लिए वी यूज रैम. हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें आवश्यकता पड़ती है रैम की. जैसे कि मान लो, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि डेटा को रैंडमली अगर हमें करना है तो हम रैम की आवश्यकता पड़ेगी. डेटा स्टोर्ड इन रैम इज एन इंडेक्स फ्रॉम लाइक वी डेटा स्टोर इन एरे. मतलब डेटा जो स्टूडेंट हमारा रैम में जो स्टोर होता है वो एक इंडेक्स की तरह स्टोर होता है, जैसे कि हम एरे. अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एरे का, यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है एरे का. तो व्हाट इज द एरे, तो एरे इज ए कनेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि मतलब
कह सकते हैं कि एरिथमेटिक कॉन्सेप्ट है। जब भी कभी हमें जो है डेटा को हमें स्टोर कराना होता है तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, एरे का यूज करते हैं। तो एरे की स्टूडेंट्स क्या होती है, मेमोरी लोकेशंस होती हैं। वो एरे हमें जब भी कभी हम एरे को डिफाइन करते हैं तो उसकी मेमोरी लोकेशंस को डिफाइन करते हैं कि भाई किस मेमोरी पे कौन सा डेटा हमारा शो होगा। तो वैसे ही मतलब क्या करता है, रैम में भी जब डेटा स्टोर होता है तो वो उसमें जैसे एरे में होता है कि 1 by 1, वैसे ही इसमें भी स्टोर होता है। इन इंडेक्सिंग ईच आइटम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एन आइटम नंबर। अब इंडेक्स में जो हमारे जैसे स्टूडेंट देखो, मैंने ये इंडेक्सिंग कर रखी है, दीज आर द मेमोरी लोकेशंस 1 2 3 4 5, और ये डेटा स्टोर होता है। तो ये 1 by 1, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, तो मतलब सीक्वेंस में डेटा हमारा स्टोर हो रहा है। इन इंडेक्सिंग ईच आइटम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एन आइटम नंबर। हर एक मतलब इंडेक्स में हर एक आइटम को आइटम नंबर के द्वारा जो शो होगा, आल्सो नोन एज इंडेक्स, उसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन इंडेक्सिंग ईच आइटम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एन आइटम नंबर, आल्सो नोन एज इंडेक्स, उसको हम इंडेक्स इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 और ये दीज आर द आइटम, जो भी आइटम है स्टोर हो गए, तो ये आइटम नंबर हो गया और ये इनकी इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है, चलिए जैसे मान लो यहां पे स्टूडेंट ने लिखा है कि सिक्वेंशियल एसेस मस्ट बिगिन एट द बिगिनिंग एंड एसेस ईच एलिमेंट इन ऑर्डर वन आफ्टर द अदर। मतलब क्या है सिक्वेंशियल एसेस में, मतलब क्या होता है कि मस्ट बिगिन, यानी कि बिगिन यानी कह रहा है कि भाई शुरुआत में ही डेटा को स्टोर करेगा एट द बिगनिंग एंड एसेस ईच एलिमेंट इन ऑर्डर टू वन आफ्टर द अदर, और ऑर्डर में 1 by 1, यानी कि पहले वे फिर अगला फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लो मैंने स्टूडेंट लिखा है कि भाई फाइल एसेस करने के जो स्टूडेंट तरीके हैं वो दो हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिक्वेंशियल एसेस और डायरेक्ट एसेस। तो सिक्वेंशियल एसेस में स्टूडेंट जो हमारा एग्जांपल है वो हमारा मैग्नेटिक टेप जो हमने कल पढ़ा, और डायरेक्ट एसेस में हमारा है मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, मतलब सीडीज हो गए, सीडी है, हार्ड डिस्क है। तो ये डेटा को स्टूडेंट क्या करती है, रेंडर मानी मतलब जो है डायरेक्ट, मतलब किसी भी जैसे ट्रैक में क्या होगा, हालांकि इससे अगले वाले लेक्चर में स्टूडेंट हम जो है डायरेक्ट एसेस पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम बात सिक्वेंशियल एसेस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्ट एसेस है तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता रहा हूँ उस लेक्चर में कि भाई डायरेक्ट एसेस में क्या होता है कि डेटा जो है वो किसी भी लोकेशन पे आके स्टोर होता है, उसमें सिक्वेंस नहीं होता है। क्योंकि ये जो अच्छा इसमें एक चीज और भी है स्टूडेंट्स, भाई जो सिक्वेंसेस एसेस होते हैं उसमें डेटा जो है वो स्लोअर होता है। मतलब जैसे भाई 1 by 1 आएगा तो मतलब वेट करना पड़ेगा, मतलब कि भाई पहले ये डेटा स्टोर होगा, लेकिन रैंडम जो बहुत फास्ट होता है, डायरेक्ट एक्सेस बहुत फास्ट होता है, और इसीलिए यहाँ तक हम जो है मैग्नेटिक टेप जहाँ पे हमें डेटा को मतलब फास्ट हमें एक्सेस करना होता है, फास्ट हमें मतलब स्टोर कराना होता है, वहाँ पे हम स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सेस का हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक टेप इज द कॉमन सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक टेप जो है हमारा स्टूडेंट क्या है, हमारा कॉमन सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस है। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मान लो हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एक बार इसके एक्सेस टाइम के बारे में। एक्सेस टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट कि भाई फाइल का एक्सेस टाइम क्या होगा, कि भाई जो फाइल जब एक्सेस होती है, मान लो सीडी है, तो उसमें सीडी को जब हम अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव में जब हम रोम सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी जो सीडी रोम लगा होता है हमारे सीपीयू में, उसका जब बटन दबा के सीडी जब हम उसमें रखते हैं और सीडी जब अंदर जाती है तो उस सीडी को जो है वो सीडी रोम रीड करता है उस डेटा को। क्योंकि सीडी में उसमें हम लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो रीड राइट हेड लगा होता है सीडी रोम के अंदर, जो कि उस सीडी के डेटा को पढ़ता है। तो अब उस डेटा को पढ़ने में भाई एसेस करने में कितना समय लगा, रीड राइट हेड को वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो ये स्टूडेंट एसेस टाइम है। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने कहा डिक्स एसेस टाइम, तो डिक्स एसेस टाइम का क्या मतलब है कि डिक्स ऑपरेट इन सेमी रैंडम मोड ऑफ ऑपरेशन एंड नॉर्मली एज रेफर्ड ब्लॉक वाइज। द डेटा एसेस टाइम ऑन डिक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। अब जो डेटा एसेस जो हम करते हैं किसी भी कंपोनेंट्स को, दो टाइप से करते हैं स्टूडेंट्स, एक तो होता है सीक टाइम और दूसरा होता है लेटेंसी टाइम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सीक टाइम और लेटेंसी टाइम क्या होता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। देखिए, टाइम टू पोजीशन द हेड ऑन स्पेसिफिक टैग, टाइम टू पोजीशन हेड ऑन द स्पेसिफिक टैग, जो हमारे रीड राइट हेड लगे होते हैं, तो हेड को पहुंचने में कितना समय लग रहा है उस डेटा को रीड करने के लिए, टाइम टू पोजीशन टू हेड ऑन स्पेसिफिक ट्रैक। क्योंकि स्टूडेंट जो सीडी होती है, सीडी को स्टूडेंट क्या करते हैं, कई सारे सेक्टर और ट्रैक्स में हम डिवाइड करते हैं, है ना, कई सारे ट्रैक और सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं जो सीडी जो हमारे एक फ्लैट होती है सर्कल के रूप में होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं उसको कई सारे ट्रैक और सेक्टर में हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा हो गया, तो डेटा एसेस टेकन बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हाँ, तो टाइम टू पोजिशन हेड और स्पेसिफिक ट्रैक ऑन ए फिक्स हेड
ऑन ए फिक्स हेड डिस्क इज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड हेड वाइल मूविंग हेड डिस्क इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द हेड टू पर्टिकुलर ट्रैक. मतलब क्या है, मतलब क्या मतलब सीक टाइम क्या है, तो इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द हेड टू पर्टिकुलर ट्रैक. मतलब पर्टिकुलर ट्रैक पर जो हमारा हेड होगा जो मूव करेगा वो हमारा जो स्टूडेंट हमारा जो है सीक टाइम कहलाता है. मतलब इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द हेड टू पर्टिकुलर ट्रैक. सीढ़ी पर जो ट्रैक बना होता है तो पर्टिकुलर ट्रैक पर जो हमारा हेड मूव करेगा वो हमारा जो जितना टाइम स्कोर करेगा वो हमारा सीक टाइम कहलाएगा. उसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है लेटेंसी टाइम. तो ये लेटेंसी टाइम क्या होता है हमारा, तो द टाइम रिक्वायर्ड बाय सेक्टर टू रीच बिलो रीड राइट हेड. जैसे मैंने आपको बताया सेक्टर हो गए ट्रैक्स हो गए, है ना. जैसे स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, मान लो ये हमारी एक सीढ़ी है ना. तो स्टूडेंट्स मान लो उसको हमने ऐसे करके डिवाइड कर दिया, है ना. तो स्टूडेंट देखिए ये जो है हमारे, तो देखिए ये पूरा मिलकर स्टूडेंट एक सेक्टर कहलाएगा. और इसके स्टूडेंट हम इस तरीके से हम इसको जो है डिवाइड, जैसे मान लो हमने ये एक हमने जो है इसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है. तो स्टूडेंट देखिए ये जो एक, फिर मैंने इसको ऐसे करके, तो देखिए अब इसकी मानो अब देखो इसमें स्टूडेंट जो आपको समझ वाली बात है, तो स्टूडेंट देखिए यहां से देखिए यानी कि ये जो है ये आपका कराएगा ट्रैक इतना, ये ट्रैक हो गया इतना, और ये जो है ये आपका कराएगा एक सेक्टर. मतलब सेक्टर का मतलब क्या है कि मतलब ये आपका एक सेक्टर हो गया, और ये इतना जो हिस्सा है ये आपका, मतलब ये और ये पूरा मिलकर कराया एक सेक्टर, और ये आपका हो गया ट्रैक, मतलब जिसपे हमारा डेटा को रीड करेगा. तो सेक्टर और ट्रैक में हम डिवाइड करते हैं अपने हम सीढ़ी को, ठीक है. तो स्टूडेंट वही कह रहा है कि मतलब कि इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द हेड टू पर्टिकुलर ट्रैक, मतलब पर्टिकुलर ट्रैक पे मतलब जो है करेगा. अब मतलब सेक्टर कितने हो, सेक्टर हो गए 1 2 3 4 5 हमारे सेक्टर हो गए, और ये हमारे ट्रैक हो गए, ये जो स्पेस है ये स्पेस हमारा ट्रैक हो गया. तो इस पर ट्रैक जो मूव करेगा. अब देखो स्टूडेंट इसके बाद आता है हमारा लेटेंसी टाइम. तो टाइम रिक्वायर्ड बाय सेक्टर टू रीच बिलो द रीड राइट हेड. हाँ, तो रीड राइट हेड सेक्टर पे जो मतलब जो हमारा रीड राइट हेड जो नीचे तक उस डेटा को रीड करेगा वो हमारा जो है लेटेंसी टाइम कहलाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब कि भाई जो हमारा रीड राइट हेड होता है, मतलब जाहिर सी बात है कोई भी डिवाइस उस डेटा को कितने समय में उसको रीड कर रहा है, कितने समय में कॉपी कर रहा है और कितने समय में वो उसको स्टोर कर रहा है. तो स्टूडेंट ये सारे जो मतलब जो टाइम कहलाते हैं ये हमारा डिस्क एक्सेस टाइम, सीक टाइम और लेटेंसी टाइम को जो है रिप्रेजेंट करता है कि भाई डेटा एक्सेस होने में कितना समय लग रहा था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि भाई डेटा जितनी जल्दी एक्सेस होगा, जितनी जल्दी स्टोर होगा, वो डिवाइस हमारे लिए उतना ही वैल्यूएबल होगा, और वही डिवाइस जो है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज भी होगा काम को करने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा कंप्लीट किया, सीक्वेंशियल एसएसएन कंप्यूटर सिस्टम. आप उसको देखिए और देखिए इसके नोट्स बनाइए. कल के लेक्चर में स्टूडेंट हम डायरेक्ट एसएसएन कंप्यूटर सिस्टम आपको समझाएंगे. थैंक यू वेरी मच.